अमेरिका के कैलिफोर्निया में अंधाधुंध फायरिंग, 14 की मौत। कैलिफोर्निया में सैन बर्निंडो में कुछ संदिग्ध बंदूकधारियों ने कम्युनिटी सेंटर पर फायरिंग की है। हमलावरों ने पुलिस पर भी गोली चलाई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में 14 लोगों की मौत हुई है। चेन्नई में भारी बारिश की वार्निंग, 6 दिसंबर तक एयरपोर्ट बंद। तमिलनाडु में बारिश का कहर अगले 48 घंटे तक जारी रह सकता है। चेन्नई के एयरपोर्ट पर पानी भरा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रनवे को क्लियर करने के लिए 6 दिसंबर तक का समय मांगा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, मेरे जीते जी बनेगा राम मंदिर। कोलकाता में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा, सबसे बड़ा लक्ष्य मेरे जीवन काल में हकीकत बन सकता है। कोई नहीं कह सकता कि मंदिर कब बनेगा, लेकिन हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी। अगले हफ्ते पाक जा सकती हैं सुषमा स्वराज। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगी। दो दिन पहले ही पेरिस में क्लाइमेट चेंज समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी। उसके बाद सरकार के सूत्रों ने सुषमा के पाकिस्तान दौरे की संभावना जताई है। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने किया नया खुलासा। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने कहा कि अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान ग्लेन मैकग्रा और मुथैया मुरलीधरन को खेलने में सबसे अधिक परेशानी हुई। बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार की हालत नाजुक। मनोज कुमार को सांस लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल स्टाफ ने उनके एडमिट होने की पुष्टि की है। अब नजर डालते हैं शेयर मार्केट पर। मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर .com।